उत्तराखंड सरकार में मंत्री और मसूरी से विधायक गणेश जोशी इस वक्त देहरादून के सरखेत गांव में आए हैं, जहां पर शनिवार की रात को जो है बादल फटा था। इस वक्त हमारे साथ गणेश जोशी जी मौजूद हैं। जोशी जी, अभी आप आए हैं सरखेत गांव में, सबसे पहले आप पहुंचे थे यहां पर, क्या अभी के हालात क्या हैं? देखिए, कल का दृश्य अगर आप देखते, इतना भयावह था। यहां पर हम खड़े हैं, इससे आगे जा नहीं पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैं, क्योंकि पूर्व में सैनिक रहा हूँ, रस्सों के सहारे पत्थरों को पकड़कर किसी तरह मैं उस गांव तक पहुंचा। और मेरी प्रायोरिटी कल उन घायलों को निकालना थी, क्योंकि अगर वो घायल अगर कल तो वहां से ये लिफ्ट नहीं होते, क्योंकि अभी तक आने जाने का रास्ता नहीं है, तो शायद नहीं बच पाते। एक दो लोग थे, क्योंकि तीन तीन फ्रैक्चर हैं, एक के दो फ्रैक्चर हैं। मैं उसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि जब मैंने उनसे अनुरोध किया, उन्होंने अपना चॉपर यहाँ पर भेजा और हमने रिस्क हाई बहुत रिस्क लेकर उसको एक सड़क पर उतारा और उन तीन लोगों को मैं यहाँ से लिफ्ट कर पाया। हमारी प्रायोरिटी जो लोग यहाँ से विस्थापित हुए हैं, जिनके मकान बह गए हैं, फिलहाल उन्हें हमने एक व्यवस्था के तहत एक स्कूल में रखा है, उनके भोजन पानी की व्यवस्था हमने की है और परमानेंट रूप से उनको शिफ्ट करना है, क्योंकि ये डेंजरस जोन है। लगातार 13 में भी यहाँ पर आपदा आई थी और यह जगह सुरक्षित नहीं है। इन लोगों की मांग है कि इनको विस्थापित किया जाए, इसके लिए मैंने अधिकारियों से बातचीत करी है और शीघ्र ही हम उनको, और अभी जो 5 लोग दबे हुए हैं उनको ढूंढना, उनको निकालना, क्योंकि लापता हैं, ये हमारी प्रायोरिटी है और उस पर हमारे अधिकारी, हमारे सारे कर्मचारी, हमारे मजिस्ट्रेट सब इसमें लगे हुए हैं, उसको और SDRF के लोग उसमें लगे हुए हैं। देखिए, आपदा को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपदा के बाद सरकार कितनी संवेदनशील है, सरकार क्या कर रही है, आपने कल देखा होगा। मैं सुबह 6:45 बजे से यहाँ पर था, जब तक उनको रिलीफ नहीं किया, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद अन्य क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे और हर 15 मिनट के बाद मुझसे अपडेट ले रहे थे। तो इस बात का प्रतीक है कि कितनी संवेदनशील सरकार यहाँ पर चल रही है और इस संकट की घड़ी में पूरी सरकार इनके साथ में, जो लोग हॉस्पिटल में उनका पूरा इलाज सरकार कराएगी। अभी हमने उनके रहने खाने राशन की व्यवस्था हमने की है और जो अनुमानित मुआवजा उनको दिया जाएगा और जगह से भी इनकी मदद करने की हमने पूरी कोशिश, मतलब पूरी मदद की जाएगी। अभी पूरी कनेक्टिविटी पूरी टूट चुकी है, चाहे लाइट की हो, रोड की हो, पानी की हो, इस सब को लेकर के क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं? क्योंकि कुछ लोग हैं अभी जो फंसे हुए हैं, जो ऊपर की तरफ हैं, जिनके घर थोड़े बहुत बचे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से आज जो है खाने पीने की कोई मदद नहीं गई है। मैं अभी CDO से कहा है, थोड़ी देर में खाने के पैकेट आ रहे हैं और तो खाने के पैकेट पहुंचाए जाएंगे। सर, और आगे के इनकी जो बसावट को लेकर के जो है, मैंने कहा ना कि जहां पर यह हादसा हुआ है, ये डेंजरस जोन है। 2013 में भी यहाँ पर आपदा आई थी और ये लोग इतने भयभीत हैं, और मेरा भी ये मानना है कि इनको शिफ्ट होना यहाँ से जरूरी है और इनको अन्य जगह विस्थापित करेंगे। ये असर इस 13 में जब आई थी, उसके बाद में कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो आपदा का जो मुआवजा है वो मानक के अनुसार नहीं है, उससे ज्यादा जितना खर्चा होता है कि वो कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने कहा देखिए, जो आपदा के मानक हैं ये भारत सरकार से तय होते हैं, लेकिन हम मुख्यमंत्री राहत कोष से अपने प्रयासों से अधिक मदद जितनी होगी इनकी मदद की जाएगी। और क्योंकि इन्हीं के आशीर्वाद से मैं लगातार 4 बार विधायक हूँ, 3 बार मंत्री बन गया हूँ और मैं लगातार अपनी जनता के बीच में रहता हूँ, इसलिए मैं खुद आज, कल भी सारे प्रोग्राम मैंने स्थगित किए, आज भी स्थगित किए और इनका दुख जानने के लिए मैं इनके बीच में हूँ। ये आखिरी सवाल मंत्री जी, आपका विधानसभा क्षेत्र भी है, अभी तक कितने लोग को रेस्क्यू आप लोग कर चुके हैं और कितने लोग को यहाँ से जो है सकुशल निकाल के दूसरी जगह रखा गया? यहाँ से हम 17 परिवारों को हम यहाँ से रेस्क्यू कर रखे जगह भेज चुके हैं। और मैंने कहा कि हमारी प्रायोरिटी अब, क्योंकि वो 5 लोगों का मालूम नहीं है, तो लगातार हमने फॉगलाइन लगाई हुई है, हमारे SDRF के जवान लगे हुए हैं, उनको जिस हालत में हो उनको ढूंढना, ये हमारी पूरी कोशिश है। ये थे उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी, जिनका ये कहना है कि जो लोग लापता हैं उनको सबसे पहले ढूंढना प्रायोरिटी है, जो यहाँ पर जो लोग हैं उनको विस्थापित करना, यहाँ से दूसरी जगह ले जाना इनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। कैमरा पर्सन मनीष सुनियाल के साथ ध्रुव मिश्रा, ABP News, देहरादून।